नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज ओ आई एस अकेडमी सो आज मैं आप लोगों को हेल्प करने वाली हूँ एच पी नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से भरना है बहुत सारे लोगों के कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कुछ कुछ इश्यूज रह रहे हैं या बहुत सारे लोग पहली बार भर रहे हैं तो उनके लिए एक ये हेल्पफुल गाइड यहाँ पर रहेगा तो सबसे पहले थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर को आपका नोटिफिकेशन आया था और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की है दैट इज ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जनवरी तो आप यहाँ पर आ, किस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से भरने वाले हैं वो देखेंगे अगर आप ऑलरेडी तैयारी भी कर रहे हैं या आपको फर्स्ट टाइम पता चला है तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर फ्री में सारा का सारा नायब तहसीलदार का एग्जाम सिलेबस अकॉर्डिंगली लेक्चर्स को भी कवर कर रहे हैं तो सारथी सीरीज उसका नाम है उसको भी आप देख सकते हैं बाकी आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर आपको इस सारथी सीरीज के पीडीएफ मिलेंगे वेर एस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है राइट तो सबसे पहले जो लोग पहली पहली बार भर रहे हैं उन लोगों के लिए आपको इस साइट के ऊपर जाना है अब एच पी पी एस सी लॉग इन अगर आप लिखेंगे तो वहां पर दूसरी साइट भी आती है जहां पे एक ब्राउन कलर का बॉक्स बना होता है तो वो ओल्ड वेबसाइट है वहां पर आप लॉग इन नहीं करेंगे ये वाला आपका रहेगा एच पी पी एस सी ऑनलाइन डॉट एच पी डॉट जी ओ वी डॉट इन यहां पर लॉग इन करेंगे और इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे और वहां से क्या होगा कि आपको ओ आएगा आप अपने मेल पे जाके उसे कन्फर्म करेंगे और फिर आप एक इंटरफेस और पहुंचेंगे जिसे हम आगे देखेंगे अगर आपने ऑलरेडी किसी पेपर के लिए अप्लाई किया था तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है यहाँ पर लॉग इन करेंगे इस तरीके से अगर आप पहली पहली बार भर रहे हैं तो वहां पर आपको इस तरीके से एक एक करके ये प्रोसेस भरने हैं तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है आप डॉमिसल हैं आपकी नेशनैलिटी क्या है नेम फादर्स नेम एंड ऑल ऑफ दैट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेल आई डी एंड नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है उसको ध्यान से देखेंगे जो स्टार कंडीशन है उन्हीं को भर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वहां पर नहीं होंगे फॉरेंसिक साइंस हो गया इस तरीके से तो आपने क्या करना है जो स्टार वाली है उनको भरना है और आगे बढ़ना है अपलोड करनी है इमेजेस अपने सिग्नेचर की हो गई आपकी अपनी हो गई वर्क एक्सपीरियंस एंड फाइनली डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स में आपको रीअपलोड देखने को मिल जाता है कभी कभी उसके बारे में परेशानी हो होना है वो वैसे ही रहता है वहां पे राइट right? फिर आपका इस तरीके का प्रोफाइल जो है वहां पर बन जाएगा अब यहां पर आपको अप्लाई का ऑप्शन ऑलरेडी आ जाएगा अगर आपने पहली बार भी किया है ये अप्लाई का ऑप्शन बहुत लोगों को नहीं आ रहा है अब इसके बहुत सारे रीजन है सबसे पहली बात इसकी जो डेट ऑफ रेफरेंस है दैट इज फर्स्ट ऑफ जनवरी 2021 यानी कि 2021 फर्स्ट जनवरी तक आप इक्कीस साल के हो जाने चाहिए अगर उसके बाद यानी कि दो जनवरी को भी अगर आपका बर्थडे है और तभी आप इक्कीस के हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एक और चीज क्या हो सकती है कि इसके लिए एक और जो क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज आपकी ग्रेजुएशन अभी ग्रेजुएशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स वाला वहां पर भरा था या तो आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से आ, वहां पर गया नहीं या फिर कोई स्टार कंडीशन आपने छोड़ दी है इसकी वजह से अप्लाई नहीं आ रहा है तो उसको आपने क्या करना है अपडेट प्रोफाइल में जाना है और वापस से वो ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर है यहां पर जाकर इसको अच्छे से अपलोड करना है फाइनली यहाँ पर अप्लाई आ जाएगा जब आप अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले तीन तो पहले से भरे हुए होंगे फिर आपको अपने एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस यहां पर डालना है एंड फाइनली ये आपके तो देखेंगे आप यहाँ पर आपको अपलोडेड भी आ रहा है और री अपलोड भी आ रहा है इसको ऐसे ही छोड़ देना है कई लोग बार बार अपलोड करते रहते हैं तो उसका कोई फायदा है नहीं इट्स ऑलरेडी अपलोडेड ठीक है इसको भरने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड फाइनली सबमिट दी एप्लीकेशन सो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल द वेरी बेस्ट अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन भी रहता है डू ट्राई टू रीच मी देर इज अ नंबर ऑन द स्क्रीन आप कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं विल बी देयर फॉर यू ऑल द वेरी बेस्ट